वेलकम अगेन टू फिजिक्स मैनिया। लास्ट लेक्चर्स में एएसटीसी रूल्स एंड साइन कॉन्वेंशन ऑफ नेगेटिव एंगल्स के बारे में डिस्कस किया गया था। इस वीडियो में जो बाकी कुछ फॉर्मूला रह गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है साइन एन पाई प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन साइन ऑफ प्लस और माइनस थीटा। तो जब यहाँ पर साइन ऑफ एन पाई प्लस थीटा आएगा, यहाँ पर माइनस वन टू द पावर एन साइन थीटा, और जब यहाँ पर माइनस थीटा रहेगा यहाँ पर भी माइनस थीटा, लेकिन ये जैसा था वैसा रहेगा। तो आप देखते हैं कॉस एन पाई प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन कॉस थीटा। सो जब यहाँ पर कॉस एन पाई प्लस थीटा, यहाँ पर माइनस वन टू द पावर एन कॉस थीटा, जब यहाँ पर कॉस एन पाई माइनस थीटा तो यहाँ पर माइनस वन टू द पावर एन कॉस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा एज वेल एज कॉस ऑफ प्लस थीटा इज कॉस थीटा, एएसटीसी रूल में आपको बताया गया था। तो आप देखते हैं टान एन पाई प्लस और माइनस थीटा, टान एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टान ऑफ प्लस थीटा, तो टान एन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टान ऑफ माइनस थीटा। तो अब देखते हैं कॉट एन पाई प्लस थीटा, तो कॉट एन पाई प्लस थीटा को हम वन डिवाइडेड बाय टान एन पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो टान एन पाई प्लस थीटा टान थीटा, सो वन डिवाइडेड बाय टैन थीटा दैट इज कॉट ऑफ प्लस थीटा। फिर जब यहाँ पर कॉट ऑफ माइनस एन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर वन डिवाइडेड बाय टान एन पाई माइनस थीटा, सो दिस विल बी वन डिवाइडेड बाय टान ऑफ माइनस थीटा। टान ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ टान थीटा, सो माइन वन डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ टान थीटा, दिस विल बी माइनस वन डिवाइडेड बाय टान थीटा, सो माइनस ऑफ कॉट थीटा दैट इज कॉट ऑफ माइनस थीटा। अब देखेंगे और दो फॉर्मूला जो सेक एन पाई प्लस और माइनस थीटा और कोसेक एन पाई प्लस और माइनस थीटा। ये दो फॉर्मूला आपके लिए आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रूफ आपको दे देंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, तो कंपाउंड एंगल्स किसे कहा जाता है? कंपाउंड एंगल्स मतलब कंपाउंड एंगल इज द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू और मोर एंगल्स, दो या दो से ज़्यादा एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा कंपाउंड एंगल। तो यहाँ पर एक कंपाउंड एंगल है साइन ए प्लस बी, सो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस बी माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए मल्टीप्लाइड कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए मल्टीप्लाइड कॉस बी प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड साइन बी। टान ए प्लस बी इज इक्वल टू टान ए प्लस टान बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टान ए डिवाइडेड बाई टान बी, एंड टान ए माइनस बी इज इक्वल टू टान ए माइनस टान बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टान ए मल्टीप्लाइड टान बी। अगेन कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए मल्टीप्लाइड कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, एंड कॉट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉट ए मल्टीप्लाइड कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए।
So that's all about the basic formula, and now let's discuss the special terms or the derived terms from the basics. तो यहाँ पर दिया गया है साइन टू ए, तो साइन टू ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस ए. तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड साइन बी. तो साइन ए प्लस बी ए प्लस ए इज इक्वल्स टू साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड साइन ए इज इक्वल्स टू टू कॉस ए साइन ए. तो दिस इज टू साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस ए. तो इसे भी हम लिख सकते हैं टू टैन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस टैन स्क्वायर ए. तो कैसे, तो इज इक्वल्स टू टू साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए. तो ऊपर एक कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी एक कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए हो जाएगा टान ए, और ये वन बाय ये हो जाएगा वन बाय सेक्स स्क्वायर ए. सो दिस कैन बी रिटन एज टू टान ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर ए, एंड सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन प्लस टैन स्क्वायर ए. सो दिस कैन बी रिटन एज, सो कॉस टू ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. सो कॉस टू ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस ए. तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए मल्टीप्लाइड कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड साइन बी. बी की जगह पर ए को अगर रिप्लेस करेंगे तो कॉस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए मल्टीप्लाइड कॉस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड साइन ए, एंड दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. फिर कॉस स्क्वायर ए को अगर लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, सो वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए will be 1 minus 2 sin square a. लेकिन अगर sin square a को लिखेंगे 1 minus cos square a, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा. तो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 minus cos square a, एंड दिस विल बी cos square a माइनस ऑफ 1 minus cos square a, and this will be 2 cos square a minus 1. This also can be written as 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a. So how, let's check out. So cos square a माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए. तो यहाँ पर नीचे कॉस स्क्वायर ए डिवाइड किए हैं और यहाँ पर भी एक कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर ए. सो दिस विल बी यहाँ पर cos स्क्वायर ए में cos स्क्वायर ए डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए. दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए. तो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इज टैन ए, एंड साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए. सो
दिस विल बी वन माइनस टान स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज वन बाय सेक्स स्क्वायर ए. दिस विल बी डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर ए. द सेक्स स्क्वायर ए ऑल्सो कैन बी रिटन एज वन प्लस टान स्क्वायर ए. दिस कैन बी वन प्लस टान स्क्वायर ए. सो द फॉर्मूला इज वन माइनस टान स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन प्लस टान स्क्वायर ए. अगेन फॉर टान टू ए, टान टू ए इज इक्वल टू टान ऑफ ए प्लस ए. तो टान ए प्लस बी इज इक्वल टू टान ए प्लस टान बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टान ए मल्टीप्लाइड टान बी. सो रिप्लेसिंग ए इन द प्लेस ऑफ बी, तो टान ए प्लस ए इज इक्वल टू टान ए प्लस टान ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टान ए मल्टीप्लाइड टान ए. सो दिस विल बी टू टान ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टान स्क्वायर ए. एंड इट्स द होमवर्क फॉर यू टू फाइंड कॉस.